कलश यात्रा जब सकड्डी पहुंची तो अटल जी के अस्थि कलश को देखने के लिए लोगों की होड़ मची रही, जहां लोगों ने नम आंखों से अटल जी के अस्थि कलश के दर्शन किए। गौरतलब है कि 19 अगस्त को उत्तराखंड के हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। सोमवार को भी पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थि कलश यात्रा को 4 राज्यों में निकाला जाएगा। मंगलवार को पटना, रांची, भोपाल और रायपुर में अस्थियों को प्रवाहित किया गया। कौन व्यक्ति क्या करने वाला है, कौन क्या है, उसके बारे में वो खुद जान ले। उन्हीं का नेतृत्व माननीय जिलाध्यक्ष श्री मिथिलेश जी कुशवाहा, हरेंद्र पांडे जी और सभी हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता मित्रों, माफ करेंगे मैं सबको पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ। आज हम ऐसे नेता के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह हमारे साथ इस यात्रा में जो लगातार चल रहे हैं, इस यात्रा में जो आप देख रहे हैं, वहां गाड़ी पर अस्थि कलश अटल जी का विराजमान है। उसके प्रभारी श्री राम गुप्ता जी और श्रीमती निवेदिता सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती सुगता पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनके सब रखे हुए थे। हम सब लोग श्रद्धांजलि कर रहे थे और अचानक एक कमरे में हम सब लोग बैठे हुए, वहीं मैंने 2 पंक्तियां अटल जी के नाम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जो अटल जी की प्रेरणा से ही 2 पंक्ति लिखने का मुझे उस समय मौका मिला, मैं उस पंक्तियों को पढ़ के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, तुमने इस युग को जीत लिया, तुमने इस युग को जीत लिया। अटल जी के लिए, हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, तुमने इस युग को जीत लिया, तुमने इस युग को जीत लिया। तुम थके नहीं, तुम थके नहीं, तुम रुके, तुम थके नहीं, तुम रुके नहीं, जीवन के अंतिम राह पे अटल रहे, तुम अटल रहे, तुम अमर रहे, तुम अटल रहे, तुम अमर रहे। हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, तुमने इस युग को जीत लिया, तुमने इस युग को जीत लिया।